तो आज हम बात करेंगे स्कारलेट विच के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कारलेट विच रिटर्न आएगी या नहीं आएगी एमसीयू के फ्यूचर में। तो जब से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी रिलीज हुई है तो उसके एंड में हमने जो देखा, तब से स्कारलेट विच यानी कि वांडा के जो फैंस है, जो कि मैं भी हूँ, वो परेशान ये है कि स्कारलेट विच एके वांडा रिटर्न होगी या नहीं होगी। देखो मैं फ़ैन हूँ बट मुझे ये पता है कि वांडा एके स्कारलेट विच रिटर्न होगी एमसीयू के फ्यूचर में, जो कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा था। अब जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पास्ट में बताया था कि स्कारलेट विच एके वांडा पे हमें एक प्रोजेक्ट देखने मिलेगा एमसीयू के फ्यूचर में, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मूवी होगा या फिर सीरीज़। तो आप लोग गैस कर सकते हो। आप लोगों के पास 30 सेकेंड का टाइम है। 3, 2, 1, 0। तो वो है सीरीज़। तो हमें स्कारलेट विच की सीरीज़ देखने मिलेगी डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो रिसेंटली मुझे रूमर मिला है जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, कॉज मुझे फाइनली पता चल गया कि वो सीरीज़ होने वाली है, मूवी नहीं। मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि शायद वो होगी एक मूवी, बट फाइनली पता चल गया है कि वो सीरीज़ होगी। बट आप लोग इसे रूमर के तौर पे लो जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता है। जैसे ही ऑफिशियली कंफर्म होगा मैं आप लोगों को आके बता दूंगा। तो अब मैंने अनाउंसमेंट की बात छेड़ी दी है, तो अब बात करते हैं कि अनाउंसमेंट कब हो सकती है स्कारलेट विच सीरीज़ की। तो देखो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी अनाउंसमेंट वो लोग कर सकते हैं कि स्कारलेट विच की सीरीज़ हमें देखने मिलेगी डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल अनाउंस करें। अगर इस साल अनाउंस नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 2023 में अनाउंस होनी ही चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या लगता है। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि रिसेंटली मुझे रूमर ये मिला था कि वंडर मैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्कारलेट विच की सीरीज़ में। तो देखते हैं कि वंडर मैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या नहीं किया जाता है स्कारलेट विच की सीरीज़ में। और ये रूमर बहुत पहले से चल रहा था कि वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एमसीयू में। तो देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ मुझे रूमर ये भी मिला है कि स्कारलेट विच की सीरीज़ कनेक्ट हो सकती है डॉक्टर डूम की सीरीज़ को या फिर यंग एवेंजर्स की सीरीज़ को। तो देखो हाई पॉसिबिलिटी है कि यंग एवेंजर्स की सीरीज़ को कनेक्ट हो स्कारलेट विच की सीरीज़। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डॉक्टर डूम की सीरीज़ और यंग एवेंजर्स सीरीज़ अभी तक रूमर ही है। अभी तक ऑफिशियली किसने कंफर्म नहीं किया है कि ये दोनों सीरीज़ हमें देखने मिलने वाली है डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो वेट करते हैं, दोनों का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो पता चल जाएगा हमें। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी ये है कि स्कारलेट विच की सीरीज़ कनेक्ट होगी यंग एवेंजर्स सीरीज़ को। और हाँ मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई अभी तक इतना सब तूने बता ही दिया है तो हमें ये भी बता दे कि स्कारलेट विच की सीरीज़ हमें कब तक देखने मिल सकती है डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो देखो कुछ रूमर वगैरह नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि स्कारलेट विच की सीरीज़ हमें देखने मिल सकती है 2024 में। ऑफिशियली जब वो लोग बता देंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये मैं सीधा साधा तुक्का लगा रहा हूँ, या फिर शूटिंग वगैरह चालू होगी तभी मैं एक प्रॉपर गैस कर सकता हूँ। फिलहाल तो मतलब मैंने तुक्का लगाया है बस ऐसे ही 2024 मुझे ऐसा लग रहा है, कॉज आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी वजह से मैं 2024 कह रहा हूँ, बाकी देखते क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि स्कारलेट विच की सीरीज़ हमें कब तक देखने मिल सकती है डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को ये इन्फो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो।